एड्रेस था इनके पास, मेरा जितना बिजनेस है उसका डिटेल्स था, मेरे बैंक का डिटेल्स था, सारा डिटेल्स था। उसने मुझे लगा कि बैंक से मुझे कॉल आया है, मेरा जो होता है मतलब बैंक वालों ने, मैंने बैंक में अभी कार्ड के लिए अप्लाई किया, मुझे लगा उनका आया है। तो फिर बाद में वो बोलता है कि नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से आपको नंबर आया, मेल आया है, जस्ट मेल का नंबर बताइए। मैं बोला नहीं मुझे कार्ड नहीं लेना है। बोला अरे क्यों, आपने लोन लिया है? मैं बोला लोन कहाँ लिया हूँ मैं बोला लोन लिया है आपको कार्ड, मतलब ये लोग, मतलब उसको ये हो गया ना कि सब मैंने सारा स्टेप फॉलो कर लिया, सब कर लिया, फिर बाद में मुझे क्लिक हो गया। तो मैं बोला ना 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 ये तो गड़बड़ है। तो कभी भी नहीं, स्टार्टिंग में अच्छे से बात कर रहा था। हाँ जैसे ही मैंने उसको मना किया ना, तो लिटरली उसका टोन चेंज हो गया, उसका हो गया अरे क्यों क्यों भाई, आपको तो लेना पड़ेगा, आपने अभी बोला था आपको। तो मैं बस ये बोल रहा हूँ कि यार कोई सा भी कॉल आए, कहीं से भी कार्ड उड लेना हो, अपने बैंक से लेना, जहाँ जो आपका ब्रांच है वहाँ पे जाके लेना, वहाँ से दिक्कत होता है बट ठीक है, नहीं लो कार्ड चलेगा। बट कभी भी ऐसा कॉल आए, कभी भी, अब देखो मैं इतना जल चुका हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कभी भी जो होता है, मतलब कभी भी लिटरली कोई सा भी अपना, ना मेल का डिटेल्स, ना अपना जो होता है ओटीपी नंबर, कुछ भी शेयर मत करना, आपका सारा इन्फॉर्मेशन उनके पास रहेगा। मेरे से पूछा जो होता है मम्मी का नाम, इनका नाम, उनका नाम, मुझे लगा मेरे बैंक वाले ने कॉल किया है, तो अच्छा है कि बैंक वाले का सारा डिटेल्स है मेरे पास, सब कुछ है, बट ये गड़बड़ था। मैं समझ गया, मैं बोला चलो आपको बता दूँ, ये मैं सेव कर देता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद हटा दूंगा। हाँ भाई शाहरुख खान से शक्ति कपूर बन गया बाय, थैंक यू। रहा था HDFC। सर IDFC बोला सर, अपने खुद ने अप्लाई किया, कभी किया वो भी बताता हूँ सर। भैया ऐसे आपको, ऐसे आप बोल रहे हो सर, जी आपने अप्लाई किया सर 2000, देखिए 2021 में 22, एक साल हो गया सर जी। भैया मुझे नहीं चाहिए। ऐसे कैसे सर, इतना लोन लेने के बाद आप मना कर रहे हो? लोन? हाँ लोन, कौन सा लोन लिया मैं? हमारे बैंक से लोन नहीं लिया आपने, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, प्रोडक्ट लोन। कौन सा लोन? जो IDFC फर्स्ट बैंक से आपने लिया 2021 में, फिर 2020 में, 2016 में। 2021, 2016, इतना लोन कैसे दे दिया आप मुझे? आज मैं बताता हूँ क्या लिया, रुकिए थोड़ा। आपने विजय सेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से लिया है सर जी। भैया एप्पल का फोन लिया। भैया अगर अगर मुझे कार्ड नहीं चाहिए तो आप क्यों मुझे जबरदस्ती दे रहे हो? नहीं जबरदस्ती ना, आपने बोला इसीलिए हमने भरा ना सिद्धांत। भैया मैं तो बोल रहा हूँ ना मुझे नहीं चाहिए। अभी सब होने के बाद मना कर रहे हो? मन बदल गया, मेरा मन बदल गया, मुझे नहीं चाहिए। अरे बट एक बार ओपन करके तो देख लीजिए मिस्टर सिद्धांत जी। अरे ओपन ओपन कर लूंगा तो फिर वो मुझे मिल जाएगा ना, तो मुझे सर नहीं क्या चाहिए मिल ना। जाएगा? अरे वो कार्ड मेरे नाम पे हो जाएगा, मुझे कार्ड नहीं चाहिए। अभी तक हाँ बोला और अभी नहीं चाहिए? मुझे लगा HDFC, HDFC में मेरा अकाउंट था, इसके लिए मुझे चाहिए था। नहीं IDFC से लोन लिए ना आपने तो सर? नहीं तो मगर नहीं चाहिए ना मुझे। सर आपने लोन लिया और अभी मना कर रहे हो? अरे यार शादी थोड़ी ना किया है कि जो होता है आप बोलोगे एक लड़की को किया है तो फिर जो होता है ये करूं, आप ऐसे क्यों कर रहे हो यार? मुझे कार्ड नहीं चाहिए, मैंने पहले भी क्रेडिट कार्ड लिया था तो मेरे साथ स्कैम हुआ था, मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ था, तो अभी मुझे कार्ड नहीं चाहिए। तो आपको बोलिए ना ऐसा फ्रॉड का डर लग रहा है करके, तभी तो हम बताएंगे ना। नहीं तो बोल देने नहीं का भैया, मेरा मेल आपको मेरा एक बार जो होता है 80,000 रुपये चला गया था कार्ड में, क्रेडिट कार्ड में, तो मुझे अभी नहीं लेना क्रेडिट कार्ड। सर बट एक बार ऑफिशियल मेल आईडी से मेल आया आपको, ऐसा भी नहीं है। ओपन करोगे तो आपका नाम, एप्लीकेशन नंबर, आपका पैन कार्ड नंबर, अगर आपको ट्रस्ट इशू आ रहा है ना तो हमारे जो मैनेजर से उनसे आप बात कर लें, क्योंकि आपने खुद ने लोन लिया है सर, वो सब इन्फॉर्मेशन दे के हम मांग रहे हैं ना, हम थोड़ी आपसे कोई ओटीपी वगैरह मांग रहे हैं। आपको सिर्फ ओपन करके आपका खुद का एड्रेस है, आपका ऑफिस, इवन आपको वहाँ पर पैन कार्ड नंबर भी है आपका, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म, आपका खुद का फॉर्म चेक कर लीजिए ना आप। तो भैया अच्छा अच्छा मान लो मैं जो होता है सब कुछ ओके कर दूंगा तो फिर क्या होगा? तो कार्ड आपका डायरेक्ट आपके घर के एड्रेस पे आएगा। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे कार्ड नहीं चाहिए। अभी तक बोला हाँ हाँ और अरे मेरे बोलने भैया, बोल तो मैं ही अभी भी मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है चलेगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ओके हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।
अरे यार साला जबरदस्ती बोलता है लो नहीं लो लो नंबर आया है नंबर दो। अरे अभी आपने बोला नंबर दो जो होता है मेल पे आया नंबर नंबर आया, एक बार चूना लगा लिया दोबारा कैसे लगाओगे भैया। सावधान रहे, अलर्ट रहे, सतर्क रहे, ये वीडियो मैं डाल देता हूँ, थोड़ी देर बाद डिलीट कर दूंगा, बट ध्यान देना भैया ऐसा कोई। बहुत बराबर से देखो इन लोगों के पास क्या रहता है ना, पूरा डेटा रहता है। मेरे ऑफिस का एड्रेस था इनके पास, मेरा जितना बिजनेस है उसका डिटेल्स था, मेरे बैंक का डिटेल्स था, सारा डिटेल्स था। उसने मुझे लगा कि बैंक से मुझे कॉल आया है, मेरा जो होता है मतलब बैंक वालों ने, मैंने बैंक में अभी कार्ड के लिए अप्लाई किया, मुझे लगा उनका आया है। तो फिर बाद में वो बोलता है कि नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से आपको नंबर आया, मेल आया है, जस्ट मेल का नंबर बताइए। मैं बोला नहीं मुझे कार्ड नहीं लेना है। बोला अरे क्यों नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, आपने लोन लिया है। मैं बोला लोन कहाँ लिया हूँ मैं। बोला लोन लिया है आपको कार्ड, मतलब ये लोग, मतलब उसको ये हो गया ना कि सब मैंने सारा स्टेप फॉलो कर लिया, सब कर लिया, फिर बाद में मुझे क्लिक हो गया। तो मैं बोला ना 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 ये तो गड़बड़ है। तो कभी भी नहीं, मैं स्टार्टिंग में अच्छे से बात कर रहा था। हाँ जैसे ही मैंने उसको मना किया ना, तो लिटरली उसका टोन चेंज हो गया, उसका हो गया अरे क्यों क्यों भाई, आपको तो लेना पड़ेगा, आपने अभी बोला था आपको। तो मैं बस ये बोल रहा हूँ कि यार कोई सा भी कॉल आए, कहीं से भी कार्ड उड लेना हो, अपने बैंक से लेना, जहाँ जो आपका ब्रांच है वहाँ पे जाके लेना, वहाँ से दिक्कत होता है बट ठीक है, नहीं लो कार्ड चलेगा। बट कभी भी ऐसा कॉल आए, कभी भी, अब देखो मैं इतना जल चुका हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कभी भी जो होता है, मतलब कभी भी लिटरली कोई सा भी अपना ना मेल का डिटेल्स, ना अपना जो होता है ओटीपी नंबर, कुछ भी शेयर मत करना, आपका सारा इन्फॉर्मेशन उनके पास रहेगा। मेरे से पूछा जो होता है मम्मी का नाम, इनका नाम, उनका नाम, मुझे लगा मेरे बैंक वाले ने कॉल किया है, तो अच्छा है कि बैंक वाले का सारा डिटेल्स है मेरे पास, सब कुछ है, बट ये गड़बड़ था, मैं समझ गया। मैं बोला चलो आपको बता दूँ, ये मैं सेव कर देता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद हटा दूँगा। हाँ भाई शाहरुख खान से शक्ति कपूर बन गया। बाय, थैंक यू।